बीपीएससी टीआरई पेपर लीक मामले में देखिए एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि ईओयू ने जो सबूत पेश किया था बीपीएससी में, फिलहाल इस बात के लिए मना कर दिया गया है कि पेपर को कैंसिल किया जाएगा। सबूत का अभी भी वो बता रहे हैं कि अभाव है, इतने सारे सबूतों का जखीरा होने के बावजूद मना कर दिया गया है। देखिए ईओयू अभी तक अपना सारा पुख्ता सबूत पेश कर दिया है और इससे पहले भी बहुत सारे पेपर को कैंसिल कराया गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, बीपीएससी ने साफ मना कर दिया है। फिलहाल के देखिए हम अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर है, चलिए सर से सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आगे, क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाते हैं अभ्यर्थियों के लिए आकर और इस बार क्या कुछ करने वाले हैं। सर जिस प्रकार से ईओयू ने पिछले बार और अभी तक अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और एक बार प्रस्तुत करने के साथ ही पेपर को रद्द किया जाता रहा, लेकिन इस बार सर बीपीएससी ने नकार दिया। देखिए एक बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी का अध्यक्ष कोई परिवार है या सचिव जो है। आर्थिक अपराध इकाई जब बीपीएससी का 150 क्वेश्चन आउट हुआ था 67वीं का जांच किया था आर्थिक अपराध इकाई ने, बीएसएससी 2014 में आउट हुआ था जांच किया था आर्थिक अपराध इकाई ने, आपको सिपाही का जांच किया था आर्थिक अपराध इकाई ने। आर्थिक अपराध इकाई जितने भी कार्य करती है वो सही करती है। और क्वेश्चन राइज अबाउट द एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसन खान, उनकी ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट सही है। ये अध्यक्ष बेशर्म है, सचिव बेशर्म है, बीपीएससी बेशर्म है। ये लोग प्रतिष्ठा पर बना लिए हैं, प्रतिष्ठा पर बना लिया और इसलिए करें कैंसिल नहीं करें। अतुल सर को तो भैया भैया कहते थे, अतुल सर ईमानदार थे, अतुल सर के संबंध में एक पेपर क्वेश्चन बाहर नहीं आया। इनको भी कहेंगे भैया भैया अगर क्वेश्चन ये कर दे आउट कर दे, नहीं तो नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि क्वेश्चन 270 लड़का भोज कराने जा रहा था झारखंड में, बिहार का लड़का परीक्षा है बिहार में, आज आगे बरही से पदमा से देवघर से पकड़ाता है, बाबा से मांगने कुछ गया था, 270 क्वेश्चन को आप रटवा रहे थे, वो आंसर जो था वो आंसर हूबहु आपके क्वेश्चन से मिल गया है, वो क्या प्रमाण है? वो प्रमाण नहीं है। बीपीएससी के अध्यक्ष सचिव को ये प्रमाण नजर नहीं आ रहा है। अभी भी बोल रहे हैं कि हमें और सबूत चाहिए, आप क्या सबूत चाहिए सर? किस सबूत की मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग को पूरा विश्वास है, इसको कैंसिल करा के चेयरमैन पर विश्वास नहीं रहा 1% नहीं। इस अध्यक्ष के नाम पर तो हमको एलर्जी होने लगा, क्योंकि ये आदमी कुछ कुछ बोल रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आर्थिक अपराध इकाई ने सारा रिपोर्ट दिया है, अब कैंसिल होगा, आई कह रहे कैंसिल नहीं होगा, असंभव। सुन लीजिए, बार बार भेड़िया आवे भेड़िया आवे भेड़िया आवे भेड़िया आवे, एक बार सच में भेड़िया आता है। बच्चों को कितना दबाइएगा, कितना मारिएगा, कितना पानी छिड़वाइएगा, कितना केस कीजिएगा, कितना कुछ करवाइएगा, इस बार ये अगर कैंसिल नहीं हुई, अब मगरमच्छ नहीं पकड़ा, तो हम लोग आमरण अनशन करके जान दे देंगे और तमाम छात्र छात्राओं को जो परीक्षा दे रहे हैं, किसी चीज का परीक्षा दे रहे हैं, ये नहीं कि टीचरें और बीपीएससी और दरोगा ये सिपाही, आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल हिंसात्मक आंदोलन की आचार संहिता है, आचार गांधी मैदान हम लोग आचार संहिता है तो गंगा किनारे बैठ जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे। आप लोग मीडिया वाले हैं ना, मीडिया वाले आएगी, हिल जाएगा पूरा बिहार, हिल जाएगा पूरा भारत, बिहार वही, यूपी वही, राजस्थान वही, मध्य प्रदेश वही, छत्तीसगढ़ वही, हरियाणा वही, सब जगह वही। क्या करेगा पढ़ने वाला लड़का? क्या लग रहा है सर कि क्या सोच रहे हैं चेयरमैन साहब कि कहीं ना कहीं अगर आचार संहिता है तो इसके पीछे इस चीज को दबाया जा सकता है? आचार संहिता सोच के चेयरमैन सोचेंगे तो अब माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, वो जान रहे कि चेयरमैन से कोई उनको लाभ नहीं है, लेकिन बच्चों से लाभ है। आचार संहिता में रोड पर नहीं निकलेंगे, गांधी में ये गंगा में के पास बैठ के आमरण अनशन करने पर रोक देंगे। आप लोग बाइट लेना बंद कर दीजिएगा, मीडिया वाला चुप हो जाएगा, कुछ भी हो फिर भी कहा जाएगा गुरु रहमान कानून तोड़ रहे हैं। गुरु रहमान कानून तोड़ रहे, गुरु रहमान को फांसी में लटका दीजिए ना, आप कीजिए तो कुछ नहीं। सारा चीज 79% कटअप चल जा रहा है दरोगा का, कहे भाई सिपाही का लगातार 80 कटअप चल जा रहा था, कहे भाई बीपीएससी से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, कहे भाई बीएसएससी से क्वेश्चन एक सप्ताह पहले लीक हो जा रहा है, कहे भाई बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल लीक हो गया, कहे भाई। आज सब जगह जब आर्थिक अपराध इकाई ने अपना रिपोर्ट दिया तो कैंसिल हुआ, और यहाँ आर्थिक अपराध इकाई दे रहा है तो बीपीएससी का अध्यक्ष और सचिव कह रहे हैं कि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये 100% अपनी छवि को बचाने का तथा कथित प्रयास है अध्यक्ष और सचिव का, अदरवाइज ये परीक्षा का क्वेश्चन आउट हुआ है। और सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल करेंगे,
छात्र के हित में करेंगे, हमको पूरा विश्वास है, चाहे इसके लिए हम लोग आमरण अनशन करके जान क्यों ना देना पड़े। कब तक नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे? मंगल तक हम लोग देख लेते हैं, मंगलवार तक देख लेते हैं, हमारे बॉस का दिन है। मंगलवार के बाद हम लोग बुध से आपको गंगा घाट के पास आमरण अनशन करने के लिए सारे लड़कों को मैं आह्वानित कर रहा हूँ, आए, या तो परीक्षा कैंसिल हो या तो हम लोग का दम निकल जाए, नहीं तो परीक्षा कैंसिल हो, यही हम लोग का डिमांड है और माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ गुरु रामायण सर थे, क्या कुछ कह रहे थे, पेपर को अगर कैंसिल नहीं किया जाता है तो गुरु रामायण सर ने बिगुल फूंक दिया और बड़ी बात कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे मंगलवार तक का। एक तरह से कहे तो ये अल्टीमेटम है कि अगर मंगलवार तक पेपर को रद्द नहीं किया जाता है तो फिर क्या कहा गुरु रामायण सर ने, आपने भी सुना। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।